ठाकुर महासभा द्वारा किया सरस्वती पूजन व पुलवामा में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। बसंत पंचमी व सरस्वती पूजन के शुभ अवसर पर 2 दर्जन से अधिक महिलाओं व पुरुषों ने किया रक्तदान। ठाकुर महासभा द्वारा बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजन व पुलवामा में शहीद हुए जवानों को मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर 25 पुरुष व महिलाओं ने रक्तदान भी किया। ठाकुर महासभा व ठाकुर महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ब्रज प्रदेश के महामंत्री मनीष भदौरिया ने किया। महासभा की राष्ट्रीय सचिव लक्ष्मी सिकरवार व प्रदेश अध्यक्ष दीपशिखा भदौरिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्टार प्रचारक नीलम तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेंद्र पाल सिंह तोमर, ब्रज प्रदेश प्रभारी श्री धर्मपाल सिंह, महानगर अध्यक्ष दिनेश सिंह परिहार, प्रदेश सचिव जोर सिंह सिकरवार, महानगर सचिव विनोद भदौरिया आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमारी ठाकुर महासभा के द्वारा सभी वीरांगनाएं और सभी छत्री बंधु इकट्ठे हुए हैं। आज बसंत पंचमी का हमारा जो पर्व है उस पर हमने सरस्वती जी की पूजा अर्चना वंदना की है और उनको माल्यार्पण करके उनका आह्वान किया है। दूसरा हमारा आज पृथ्वीराज चौहान जी का बलिदान दिवस है, उसमें हम लोगों ने रक्तदान शिविर लगाया है। तो उसमें हम सब लोग जितने लोग हैं उनमें से सब अपना बलिदान दिवस के लिए अपने रक्त का सहयोग देंगे। जो गरीबों के लिए जिसको जरूरत है, जरूरतमंद लोगों को वो वितरित किया जाएगा। और तीसरा आज पुलवामा में जो हमारे लोग शहीद हुए थे उनके लिए हमने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ सब लोगों को एकत्रित किया है। किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज हमारी ठाकुर महासभा के सभी छत्री बंधु और बहनों ने मिलकर के आज बसंत पंचमी का दिन था उस पर सरस्वती माँ के तस्वीर पर मालार्पण करके और दीप जला करके सभी लोगों ने उनका बसंत पंचमी का आज महोत्सव मनाया है। और दूसरा आज एक और है, पुलवामा में जितने लोग 40 के करीबन जो शहीद हुए थे उसके ऊपर भी आज हमें सभी लोगों ने मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि दी है और उनके ऊपर कार्यक्रम भी रखा है। तो ये बहुत दुर्घटना थी, जो बहुत ही दयनीय और दुखद घटना थी, इसके ऊपर हम सब लोग बहुत दुखी मतलब दुख व्यक्त करते हुए और उनको श्रद्धांजलि दी है।